इज अ वीडियो फोर ऑफ द चैप्टर क्लास एट्थ। तो इस तरीके से जो नील की खेती में हम पढ़ रहे थे कि 1859 में जो हजारों रोइट्स थे बंगाल में, उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी, बेस्ट फर्टाइल सॉइल में इंडिगो की खेती की जाती थी, और उन खेतों में जहाँ वो चावल उगाना, धान उगाना प्रेफर करते थे, अब उस खेती में अगर वो इंडिगो उगाते थे तो उनकी जो जड़ें थी इंडिगो की काफ़ी गहराई तक जाती थी, और सॉइल की फर्टिलिटी पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता था। एक बार इंडिगो उगाने के बाद सबसे खास बात यह है कि अगर एक बार इंडिगो उगा लिया गया उस ज़मीन पर, तो दोबारा से एक्सपेक्टेशन करना गलत था कि उस पर दोबारा धान के हम चावल की खेती कर पाएंगे। तो हर तरफ दंगे भड़क गए थे, और उन्होंने प्लांटर्स ने रेंट को चुकाने से, रेवेन्यू चुकाने से भी मना कर दिया, जो ज़मीन का किराया था वो भी देने से मना कर दिया, और कई सारी जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही वो क्या करते थे, खेतों में इंडिगो प्लांटर्स को उगाते थे। तो इंडिगो फैक्ट्रीज में अचानक से कारखानों पर जहाँ नील की खेती, नील को बनाया जाता था, वहाँ पर अटैक कर दिया गया आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स, तलवारों के साथ एंड स्पेयर भालों के साथ, बोरो एंड एरो तीर और बाण के साथ, वो कहते हैं बाण को, तीर बाण भाले तलवारों के साथ आ गए। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद द फॉल्स, और जो महिलाएं थी वो भी क्या हो गई, वो भी फाइट करने लगी, टर्न अप टू फाइट, लड़ाई लड़ने लगी। पॉट्स, वो घड़े लेके आती थी, पेंस लेके, तवा लेके आती थी, और किचन के जो इम्प्लीमेंट, जो बेलन चकला तवा जो भी था, वो सारे इक्विपमेंट्स लेके आती थी। उन्होंने हवा बोल दिया, और दो और वो लोग जो इस प्लांटर्स में काम करते थे वे सोशली बॉयकॉटेड, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया, जो लोग उन्हें देखे जाते थे कि ये इंडिगो की प्लांटेशन में काम करता था, उन सभी लोगों को समाज का बहिष्कार सहना पड़ा, समाज से उन्हें निष्कासित किया गया। और जो गोमास्ता थे, अब गोमास्ता कौन थे, जो एजेंट होते थे प्लांटर्स के, यानी कि उन नील की खेती काम करने के लिए मजदूरों को अपॉइंट करना था इन गोमास्ता का काम। हु केम टू कलेक्ट रेंट, और जो रेंट कलेक्ट करने के लिए भी आता था, जिस जमीन पर इंडिगो उगाया जाता था उस जमीन पर वो अदर किराए पे या खुद खरीद के जो जमीन लेते थे, तो उसका किराया लेने जब वो आया तो उसको मार के भगा दिया गया गौमास्ता को। एजेंट था ये गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का एजेंट होता था गौमास्ता। रॉयट श्योर दैट दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो, और ये दंगे में उन्होंने रॉयट श्योर, ये कसम उन्होंने खाली शोर कर दिया कि दे वुड नो लॉन्गर, अब वो क्या करेंगे, इंडिगो की खेती के लिए एडवांस नहीं लेंगे। बेसिकली उनको एडवांस दे दिया जाता था, जैसा कि हमने पढ़ा, उनको कुछ रुपए मिल जाते थे जिससे कि वो इंडिगो के लिए बीज और अन्य तरह की व्यवस्थाएं कर पाते। इंडिगो नॉर बी बुलीड बाय द प्लांटर्स, और ये देखा जाता है जो इंडिगो था नॉर बी बुलीड, तेजी से एक दादागिरी टाइप की हम अगर देखें नॉर बी बुलीड प्लांटर्स के द्वारा, ये देखी गई कि एक दादागिरी के रूप में इंडिगो की खेती को अब वो प्लांटर्स से मजबूर नहीं कर सकते थे। लाठियाज द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय प्लांटर्स, लाठी चार्ज भी किया उन्होंने। वाई डिड द इंडिगो फीजेंस, अब जो इंडिगो फीजेंस थे, इंडिगो के जो किसान थे, उन्होंने क्यों डिसाइड किया दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, कि वो अब लंबे समय तक चुप नहीं बैठेंगे। व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल, कौन सी ऐसी चीज थी जिन रिबेल ये विद्रोह करने में प्लांटर्स को ये जो ताकत मिली, आखिर वो कहाँ से मिली। क्लियरली अगर हम देखते हैं, इंडिगो जो सिस्टम था वह इंटेंसली ऑपरेसिव, वो तो ऑपरेसिव तो था ही था, कष्टकारी था, दमनकारी था, शोषण था, शोषण करने वाला था। बट दोज हु आर ऑब्वियस, लेकिन वो लोग जो शोषित हुए डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन, उन्होंने कभी इस तरह से विद्रोह में साथ खड़े नहीं हुए। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, उस समय में देर उन्होंने ऐसा किया। इन 1859 की अगर हम बात करते हैं, द इंडिगो रॉइट्स जो थे, इंडिगो जो दंगे थे, फेल्ट दंगा करने वाले,
फेल्ट उन्होंने ये महसूस किया दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार, उन लोगों को पास जो लोकल स्थानीय जमींदार थे उनका सपोर्ट मिला और गांव के हेडमैन का सपोर्ट मिला। देयर रिविलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स, और जो इनका रिविलियन था, विद्रोह था, वो प्लांटर्स के अगेंस्ट था जो प्लांटिंग करते थे। इन मैनी विलेजेस, कई सारे गाँव में जो हेडमैन थे, वो एडमिन फोर्स, जिनको फोर्स किया गया था कि वो साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट पे तो जबरदस्ती उसे साइन कराया जाता था, उनको लोन दिया जाता था एडवांस में, जो इच्छुक नहीं भी थे उनको भी जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया जाता था मोबिलाइज। और जो इंडिगो पिजन्स थे, बहुत बार तो देखा जाता था कि मोबिलाइज के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनको धान की खेती भी करनी पड़ती थी, लेकिन इंडिगो पिजन फॉट, इस तरह से उन्होंने लड़ा, पीचेज एंड बैटल्स विद द लाठियार्स, लाठीचार्ज से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इन अदर प्लेसेस में इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस, हालांकि जो जमींदार थे वो गांव में जाते थे, द जमींदार वेर अनहैप्पी। अब जमींदार भी हम क्या देखते थे, जमींदार तो उनको भी लाठी चार्ज से रेसिस्ट यानी प्लांटर्स के विद्रोह का सामना करना पड़ता था, उनके क्रोध का सामना करना पड़ता था। जो जमींदार थे वो बहुत अनहैप्पी थे विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स, ये प्लांटर्स की इतनी बढ़ती हुई शक्ति थी उससे काफ़ी खुश नहीं थे, काफ़ी नाराज थे, वो गुस्से में थे, एंड एंग्री, और गुस्सा थे एट बींग फोर्स बाई प्लांटर्स टू गिव दैम अ लैंड ऑन लॉन्ग लीज, और इस बात से भी गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने इन प्लांटर्स को एक लंबे समय के लिए जमीन पट्टे में दी हुई थी और इतने वक्त के लिए इनको जमीन पट्टे में देने से जमीन पर इनका अधिकार था। इंडिगो पिजन्स जो थे ऑल्सो इमेजिन, उन्होंने ये भी इमेजिन किया कि जो ब्रिटिश थे गवर्नमेंट वो सपोर्ट दैम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट करेगी इस स्ट्रगल में प्लांटर्स के अगेंस्ट। जो प्लांटर्स थे आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्टिकुलरली वरीड, इस बात से चिंतित हो गई कि अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवोल्यून, कहीं ऐसा ना हो 1857 के जैसा जैसा 1857 में इतना पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था पूरे भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर ऐसा ही इतना बड़ा रिवॉल्ट आगे इन फ्यूचर भी हो जाए। गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड, इस तरह से व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ द स्मीरिंग रिवॉल्ट, और जब ये न्यूज फैलेगी कि जो इंडिगो के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया है, तो किस तरीके से दो लेफ्टिनेंट थे गवर्नर टूर टू रीजन, इन क्षेत्रों पर उन्होंने दौरा किया। इन द विंटर के महीने में 1859 में द रॉयड सॉ द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, रॉयड्स ने यह देखा कि जो दौरा था गवर्नमेंट का प्लाइट, एक मजदूरों की जो लेबर या पीजेंस की दशाओं को के लिए एक संतावना थी या सिंपैथी, उनकी दशा के लिए एक सिंपैथी जाहिर करता था ये गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट का दौरा। When in Barasat, the magistrate जो था एशली एडन इश्यू, एक नोटिस जारी किया उन्होंने स्टार्टिंग करने के लिए कि दैट रॉयड्स वुड नॉट बी कंपेल, जो रॉयड्स थे उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो कॉन्टैक्ट पर साइन करें। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया, और ये सब थे क्वीन विक्टोरिया के चारों, और क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिगो नीड नॉट बी सोन, अब इंडिगो क्या उसको इतना सोन करने की आवश्यकता नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू पैलिकेट द पीजेंस एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सिचुएशन के लिए कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्लान योजनाएं बना रहे थे। एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट ऑफ रिविलियन, और इसका जो एक्शन था वो रिवेलियन के सपोर्ट में पड़ा गया, माना गया। एज अ रिवेलियन स्प्रेड, जैसे ही जो रिवेलियन था वो फैला, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता से क्रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे रोड ऑफ द मिजरीज के बारे में लिखा, ऑफ द रॉयट्स जो दंगे गए, एंड ट्राइनी ऑफ प्लांटर्स उनकी विडंबना जो थी, एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और जो डर था इंडिगो सिस्टम का उसके बारे में, वरीड बाई रिवेलियन, और इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए रिवेलियन, और गवर्नमेंट ने यह देखा, गवर्नमेंट ब्रॉड द इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एजॉल्स से, एंड सेट अप इंडिगो कमीशन, उन्होंने इंडिगो कमीशन बनाया इसके लिए
टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। जो कमीशन जो था हेल्ड द प्लांटेशन गिल्टी, उन्होंने ये पाया कमीशन ने, आयोग ने, कि जो प्लांटेशन थे दोषी थे एंड क्रिटिसाइज देम, और इसके लिए उन्होंने उनकी भर्त्सना की एंड कॉर्सिव दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल। उन्होंने ये भी पाया कि जो इंडिगो कल्टिवेशन था वो प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उन्हें उतना प्राइज मिलता था, उल्टा जमीन की फर्टिलिटी तक कमजोर हो जाती थी और वो कभी लोन से बाहर ही नहीं आ पाते थे। ये डिक्लेयर उन्होंने ये पाया कि इंडिगो प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं था। द कमीशन आज द राइट्स टू फुलफिल दियर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो। वो भविष्य में इंडिगो उगाने से इनकार कर देंगे। आफ्टर द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के प्रोडक्शन इंडिगो प्रोडक्शन का जो रिवॉल्ट था, इसके बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो था, इस रिवॉल्ट के बाद बंगाल में इसका जो उत्पादन था वो कोलैप्स हो गया। बट द प्लांटेशन नाउ, लेकिन जो अब प्लांटेस थे अब वो बिहार में शिफ्ट हो गए, बिहार चले गए विद इन द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, क्योंकि वहाँ पर अब सिंथेटिक डाइज आने लग गया था 19th सेंचुरी तक। बिजनेस वाज सेवरली अफेक्टेड, और इससे जो व्यापार हुआ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। बट ये टू मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन, इससे उन्होंने प्रोडक्शन को मैनेज किया। जब महात्मा गांधी रिटर्न साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आ गए पीजेंट्स फ्रॉम बिहार, तो बिहार के पीजेंट्स ने चंपारण में इंडिगो कल्टिवेटर्स की दशाओं को सुधारने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया था, क्योंकि महात्मा गांधी तब चंपारण में इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके एक्सप्लोटेशन को देख के काफ़ी दुखी हुए। महात्मा गांधी विजिटेड 1917 में, वो चंपारण में गए बिहार में, और वहाँ पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट चलाया भारत में आने के बाद, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। मार्क द बिगेनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट कई तरीके से मार्ग जो थे वो शुरू किए गए। इंडिगो प्लैंकिंग ऑफ वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अर्ली उसी समय कहीं क्या हो रहा था एल्सवेयर 18th सेंचुरी में, जो फ्रांस मिशनरी थे जीन बप्टिस्टा लेबॉट ट्रेवल टू कैरिबियन आइलैंड्स में, वो ट्रेवल किया और एक्सटेंसिवली इसकी खेती के बारे में लिखा उन क्षेत्रों में, जहाँ पब्लिश इन वन ऑफ हिज बुक्स। ये इमेज ये बताती है कि ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो की जो स्टेजेस थी प्रोडक्शन की, फ्रेंच स्लेव प्लांटेशंस जो फ्रांस थे के स्लेव जो थे, दास जो थे प्लांटेशन इस रीजन में काम करते थे, हम जो स्लेव गुलाम जो मजदूर थे श्रमिक उनको देख सकते थे, पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटल वेट, एक बड़े से बर्तन में वो डालते थे सेटल वेट में ऑन द लेफ्ट में, अनदर वर्कर इज चरिंग, अनदर वर्कर चर्निंग कर रहा है इसकी लिक्विड की एंड मैकेनिकल चर्नर इन ए वेट, टू वर्कर आर कैरिंग, और दो वर्कर इंडिगो के पल को पकड़े हुए हैं हंग अप इन बैग, और बैग में हंग कर रहे हैं और उनको सुखा रहे हैं। इन द फोरग्राउंड टू अदर्स आर मिक्सिंग द इंडिगो पल टू पल्ट इन टू द मोल्ड, द प्लांटर्स इज एट द सेंटर ऑफ पिक्चर, और जो प्लांटर है वो सेंटर में पिक्चर के स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर, और एक क्या कर रहा है इनका मुआयना कर रहा है कि जो प्लांट वर्कर हैं वो स्लेव वर्कर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा था, इसमें एक पिक्चर सब अगर हम देखें इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो इंडिगो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। इंडिगो फैक्ट्री का एक दृश्य दिखाया जा रहा है जो इंडिगो फील्ड के नज़दीक ही होती थी, क्योंकि इंडिगो तैयार होकर श्रमिक आसानी से इस फैक्ट्री में ले आते थे रॉ मटेरियल को, और इसके बाद पेंटिंग जो पेंटिंग बनी है वो विलियम सिम्पसन ने 1863 में बनाई थी। इसमें जो फर्मेंटिंग वेट दिखाए जा रहे हैं बर्तन टाइप के बने हुए हैं, तो किस तरह से यहाँ पर डाला जाता था इसमें, और बीटर वेट दिखाए जा रहे हैं, और वुमेन यूजली और महिलाएं जो होती थी यूजली हम ये देख रहे हैं कि वो कैरी इंडिगो प्लांट्स को वेट तक लेके आती थी, तो महिलाएं काम करती थी, और एक वेट बीटर होता था जो वेट्स को बीट मतलब उसको बीटर का काम करता था। इंडिगो जो बीटर था इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पेडल्स दैट वाज यूज्ड टू स्टर द सॉल्यूशन इन द
वेट डीज वर्कर हैड टू रिमेन इन द वेस्ट डीप वेटर फॉर ओवर 8 आवर्स. 8 आवर्स तक इंडिगो सॉल्यूशन में उसको बीट करना पड़ता. तो फर्मेंटिंग का वेट मतलब होता है कि वो क्या करता था, फर्मेंटिंग करता था स्टोरेज वेसिल को. इंडिगो इज रेडी. अब यहाँ पर फिर इंडिगो इन्होंने तैयार किया है जो बिकने के लिए तैयार है. इस तरीके से हमने देखा किस तरह से रिबेलियन हुआ था.